नमस्कार आदाब न्यूज़ क्लिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे आ, हाल ही में जो आरएसएस की तीन दिवसीय व्याख्यान माला हुई है उसी के विषय में और उसमें उसमें किस तरीके से एक आ, बात फैलाई जा रही है कि आरएसएस का एक थोड़ा सा नरम रूप सामने आ रहा है और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मशहूर लेखक सुभाष गताड़े जी हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत सुभाष जी तो पहला सवाल तो इस व्याख्यानमाला के समय का कि इसका कंटेक्स जो है समय के हिसाब से उसके बारे में आप थोड़ा बताएं क्योंकि 2019 के इलेक्शंस बहुत पास हैं और मोदी सरकार का जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो दरअसल काफ़ी खाली नजर आ रहा है इस वक्त तो बिल्कुण, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएँ मेरे ख्याल से ये सबसे पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कॉन्टेक्स बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो साढ़े चार साल पहले जो वादे किए थे मोदी सरकार ने उस सारे वादों में पूरे करने में असफल रही है और बहुत नेगेटिव इमेज लोगों के बीच जा रही है विदेश नीति को भी मैनेज करने में असफलता दिख रही है तो ऐसे में एक हिंदुत्व का पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ता दिख रहा है तो एक आइडियालॉग के तौर पर भागवत कथा में कह सकता हूँ कि उन्होंने इसका आयोजन किया ताकि एक आर एस एस की हिंदुत्व की एक अलग छवि पेश की जा सके और मोदी शाह का जो कंबाइन है वो अगर आने वाले चुनाव में डिस्क्रेडिट भी हो जाए अधिक लेकिन फिर भी आर एस एस और हिंदुत्व के बारे में लोगों के कोट अनकोट पॉजिटिव विचार बने रहे तो उसी मकसद भी यही कॉन्टेक्स्ट इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट यही रहा है उसका उनका इस व्याख्यान माला में जो जिस किस्म का जो इसका कंटेंट रहा है जिस किस्म की कि इसमें बातें आई हैं उसमें जो जैसे कि आ, मैंने बोला कि एक आरएसएस का एक नरम रुख सामने आ रहा है भले ही वो मुसलमानों के संदर्भ में हो या एलजीबीटी कम्युनिटी के संदर्भ में हो तो इस वक्त लग रहा है कि हाँ वो सबको अपने साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं दरअसल इस पूरी व्याख्यान माला का शायद मकसद उन्होंने यही बताया कि हम भविष्य के भारत के बारे में बात करना चाहेंगे तो उसके कंटेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है मेरे ख्याल से अगर कंटेंट के तौर तो पर देखा जाए तो संघ का जो चिंतन है उसमें कोई बुनियादी बदलाव हम लोग देखते नहीं हैं ये तयशुदा बात है कि उन्होंने कांग्रेस की कोई तारीफ की उन्होंने उन्होंने तमाम सारे नेताओं का उल्लेख किया सर सैयद अहमद का उल्लेख किया अपने बातचीत में तो एक तरफ से नामों को नेम ड्रॉप करके और उस रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में अपने आप को चमकाने की उन्होंने कोशिश की तो एक तो ये उनका तो इसीलिए देखा जाए तो कंटेंट के तौर तो पर देखा जाए तो मुझे बुनियादी अंतर दिखता नहीं है लेकिन अपने आप को एक पॉजिटिव लाइफ में पेश करने की कोशिश और मुसलमानों के बारे में उन्होंने जो कहा उन्होंने हिंदुत्व के बारे में जो कहा कि भाई मुस्लिम मुसलमानों के बिना मुस्लिम्स के बिना हिंदुत्व पूरा नहीं हो सकता है या हम लोग भी संविधान को मानते हैं हम लोग भी जनता जनतंत्र को मानते हैं ये सारी बातें जो उन्होंने की हैं तो कोई भी तीसरा व्यक्ति जो आर एस एस के तारीख से आर एस एस के इतिहास से वाकिफ़ नहीं है उसको बहुत अच्छी लग सकती है कि साहब अब कांग्रेस की भी तारीफ़ करने लगे हैं तो लेकिन अगर आप थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करें तो अगर संविधान की उन्होंने तारीफ़ की अपने आप को संविधान का ये बताया हिमायती बताया तो उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि हम लोगों ने उन लोगों ने जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसकी मुखालिफत की थी गोलवलकर ने सावरकर ने मुल्ख मुखालिफत की थी हिंदू कोड बिल का सवाल जो उपस्थित हुआ था तो उसका विरोध किया था डॉक्टर अंबेडकर के आवास प्रदर्शन हुए थे आर के लोगों ने किए थे संविधान की बात की और हिंदू राष्ट्र के बारे में वो अड़िग रहे तो कहा बात कहा भी और कहा बात नहीं भी कही और अपनी बात उन्होंने एक तरह से पुश की उन्होंने और दरअसल बहुत जो दिलचस्प रहा इस पूरे आ... Uh, पूरी व्याख्यान माला में और उसके बाद जो सवाल जवाब का एक सत्र उन्होंने किया उसमें भी कि जो उनकी खामोशियाँ रही hmm. कुछ चीजें उन्होंने कही ah. लेकिन बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं कही जैसे गोलबरकर ah. के ही सवाल पर जहां वो मुसलमान को एक दुश्मन के तौर पर रखते हैं उस पर उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि अरे नहीं उसका तो एक नया एडिशन सबके सामने है हा, 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 तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे क्योंकि इसलिए एक, किसी चीज का एक नया एडिशन ले आने से आप उनके विचारों को तो खारिज नहीं कर सकते बिल्कुल तो वही मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा जो अन कहा है जी उस पर ज्यादा बात होनी चाहिए क्योंकि गोलवलकर की गोलवलकर ने अपने जीवन में दो किताबें लिखी थी We are defined और Bunch of Thoughts. तो पहली किताब के बारे में तो उन्होंने पहले से तौबा किया उन्हें उन्हें लिखी ही नहीं थी दूसरी किताब के बारे में बंच ऑफ थाट्स के बारे में संघ भी मानता रहा है कि गोलोलकर ने किताब लिखी हो जिसमें उन्होंने मुसलमानों को ईसाइयों को और कम्युनिस्टों को आंतरिक दुश्मन घोषित किया है अब ये उनके विचार थे उन्होंने उनके विचारों में फांसीवाद की हिमात थी हिटलर जो एथनिक क्लिनसिंग कर रहे थे कर रहा था उसकी उन्होंने हिमायत की थी यहाँ पर उन्होंने मनु के बारे में बार बार हिमायत की है और ये गौर करने की बात है कि अपने इंतकाल के अपने अंत के अपने देहांत के चार साल पहले भी उन्होंने जो नवाकाल को जो इंटरव्यू दिया था जिसमें मनु की हिमायत की थी उन्होंने अब आप अचानक इन सारे सवालों पर चुप रह जाए और एक ऐसा एडिटेड वर्जन उनका ले आए जिसमें गोल कर अच्छा अच्छा दिखते रहते हो तो ये ये जो साइलेंस है इसको खोलने की ज़रूरत है इंडियन एक्सप्रेस ने तो उसका ये किया कि भाई चौंसठ बार उन्होंने हेडगेवर का नाम लिया और दो बार गौरवरकर का नाम लिया और साइलेंस है जैसे उन्होंने अपने आप को जनतांत्रिक कहा चलिए अच्छी बात है जनतांत्रिक है लेकिन आधी आबादी को संघ में क्यों प्रवेश नहीं है कल जो सवाल जवाब हुआ था जिसके बारे में उन्होंने कहा कि अभी हालात बने बने नहीं हैं उन्नीस में हेडगेवार ने संघ बनाया था तब से लेकर हालात नब्बे साल हो गए हालात अभी बने नहीं कि महिलाओं को बराबर से लाया जाए तो इस चिंतन में और मुस्लिम ब्रदरहुड और जमात इस्लामी बाकी जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन के चिंतन में कोई फर्क नहीं दिखता है आप अपने आप को जनतांत्रिक कह सकते हैं तो ये मुझे इन सारे मौनों को अधिकाधिक खोलने की मुझे लगता है जरूरत लगती है जी। आ, कुछ सवाल उनसे जो पूछे गए मोहन भागवत से Uh, उसमें बहुत कुछ बहुत ही ज्वलनशील सवाल थे जो कि दरअसल हमारी मौजूदा राजनीति से एकदम जुड़ते हैं ख़ासतौर से जब आप 2019 के परपे परिपेक्ष पर में रखें उसको हाँ। जैसे कि आरक्षण का मुद्दा हाँ। तो उस पर वो हालांकि वो खुद बयान दे चुके हैं इस पर कई बार कि उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और राइट right विंग की तरफ से लगातार इस तरीके के बयान आते रहते हैं लेकिन कल उन्होंने ये बात बोल दी कि आरक्षण संविधान जो आरक्षण देता है वो होना चाहिए लेकिन और लोग उसको मान रहे हैं कि अरे देखिए इन्होंने संविधान का मतलब आरक्षण का समर्थन कर दिया हुँ, लेकिन हुँ। उसके तुरंत बाद वो ये भी कहते हैं कि आ, जिनको आरक्षण मिला है वो ये आ, डिसाइड करें कि कब तक आरक्षण चलेगा बिल्कुल ये आप कैसे कह सकते हैं और इस बात का और ना सिर्फ आरक्षण के हिसाब से मुसलमानों की भी जहां बात करते हैं तो जब आप आ, जब वो जनसंख्या की नीति पर एक बात कर रहे हैं उसमें मुसलमानों का नाम ना लेते हुए हुँ. वो ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें उन लोगों उन समुदायों की तरफ ध्यान देना चाहिए जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं हुँ. और उनको पालने के उनके पास साधन कम है हुँ. तो लोग आधी चीजें देख रहे हैं लेकिन उनके साथ जो दूसरे वाक्य हैं उनके जो निहितार्थ हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे देखिए मुझे लगता है कि आरक्षण को लेकर के बिहार चुनाव के पहले जो उन्होंने कहा था आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए संघ के मूल चिंतन में वही है एक एक निहित दलित विरोध एफर्मेटिव एक्शन का विरोध उनके चिंतन में लगातार व्याप्त रहा है और जो विभिन्न स्तरों पर दिखता है एस सी एस सी एक्ट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जो एक बहुत अच्छा एक्ट है तो उसको जो सर खारिज करने की कोशिश की थी उस पर जो भाजपा दो तीन महीना चुप रही और बाद में दबाव में वो ऑर्डिनेंस ले आई तो भाजपा की जो नीति रही है संघ की नीति एक जैसी रही है संघ संघ उसको चलाता है तो दलितों को लेकर के आदिवासियों को लेकर के उनका रुख वही है तो अब चूंकि उनको तो आपका उन्होंने जो कल सवाल जब दिया है तो उनकी वो दुविधा को भी दर्शाता है एक तरफ उनको उन्होंने बिहार चुनाव में उसका नतीजा देखा आरक्षण विरोध करके और अब वो साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के जो दबाव बना और फिर उनको ऑर्डिनेंस लाना जो लाना पड़ा तो सवर्णों का जो विरोध हो रहा है तो एक जो पूरा इस तीन दिन के व्याख्यान का कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि जो अपर कास्ट कॉन्स्टिट्युएंसी है जी। एक तरह के जो हिंदुत्व की कॉन्स्टिट्यूएंसी उसका मेजोरिटी हिंदुत्व की है उसको भी थोड़ा अपीस किया जाए कि साहब अगर वो कहेंगे तो हम उसको हटा भी देंगे और आरक्षण दिन जिनको जिन तबकों को, जिन तब को मिलता है उनको भी खुश किया जाए भाई हम तो का बात नहीं कर रहे थे तो दोनों को खुश करने की दो नावों पर सवारी चल करने की तैयारी उनकी दिखती है कोशिश दिखती है इसमें एक चीज जो कि इस नरम पक्ष जो वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं उससे जो नजर आता है जिस माना हम सोच सकते हैं उसके बारे में कि इस वक्त उनके लिए बहुत जरूरी है कि आरएसएस को बचाया जाए बजाय कि बीजेपी को क्योंकि जितनी भी जो आ, पिछले चार सालों में जितनी भी कट्टर हिंदुवादी आ, हिंदुत्व की जो घटनाएं हो रही हैं चाहे वो गौरक्षा हो या तमाम और चीज़ें हालांकि सरकार बोलती रहती है कि हम इनका समर्थन नहीं करते ये बंद होना चाहिए हुँ. वो सारी चीज़ें और आ, कल आरएसएस में भी मोहन भागवत ने यही बोला हुँ. कि आ, इनका हम गौ हत्या गौ हत्या के नाम पर जो हत्याएं हो रही उनका समर्थन नहीं कर सकते लेकिन ये सारी चीज़ें जो एक जो नरम पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी हो गया है कि ये विचारधारा बनी रहे बजाय कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले चार साल में बीजेपी के खिलाफ भी लामबंदी बहुत ज़्यादा हो रही है चाहे बहुं। किसान हो चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे मजदूर हो तो वो जो उस लामबंदी को से क्या ये निपटने की कोई कोशिश है कि वो विचारधारा को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूँ बिल्कुल क्योंकि मैं जब आप ये बात कह रही थी तो मुझे चौरासी का उनका चौरासी का जो चुनाव में जो निर्णय लिया था आर एस एस ने आर एस एस ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया था कांग्रेस को समर्थन दिया था तो और उस वक्त सिर्फ दो सांसद उनके चुने गए थे तो इस मामले में आर एस एस दक्षिणपंथीय संगठन होने के बावजूद वो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में यकीन रखता है वो प्रैक्टिस करता रहा है आज उनको दिख रहा है कि ये जो हिंदुत्व के जो वाहक बने हुए हैं उनका जो मास पोलिटिकल प्लेटफॉर्म है भाजपा उसकी वैधता पर सवाल उठे उसकी उसको क्राइसिस में है वो प्रोजेक्ट तो साथ 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 क्योंकि हिंदुत्व के विचार पर आचना आए हिंदुत्व का विचार कुछ सम, सर, समावेश तैयारी तो उनकी साथ साथ ये भी दिख रही है कि वो तैयारी भी साथ साथ होती रहे ये। जी। तो आ, इस पूरी व्याख्यान माला को और आरएसएस का जो वो एक व्यापक प्रोजेक्ट है हाँ। हिंदुस्तानी समाज के लिए उसके उसे आप 2019 तक आपको क्या लगता है कि ये किस और ये क्या आप अब ये जो ये जो हिंदुत्व के जो हमले हैं वो ज्यादा तीव्र होने वाले हैं या फिर आपको लगता है कि इस तरीके की कुछ चीज़ नहीं देखिए जहाँ तक हमलों का सवाल है वो पिछले चार साल लगातार बढ़ते ही रहे हैं और 2019 का जो वातावरण दिखता दिख रहा है उसमें उनको लग रहा है कि ये एक ऐसा मौका है अगर ये मौका चूक गया तो फिर सत्ता में आने में मुश्किल होगा देर लगेगी तो आरएसएस न केवल आरएसएस बल्कि तमाम संगठन बहुत एग्रेशन के साथ दिख रहे हैं और मैं इस एग्रेशन में कोई कमी नहीं देखूंगा देखता हूं कि दो हजार उन्नीस तक अपने तमाम आनुषंगिक संगठनों के जरिए वो इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि अधिकाधिक ध्रुवीकरण अधिक हो अधिकाधिक अधिक विघटन बढ़े समाज में ताकि ये जो बहुसंख्यकवाद का जो संघ का विचार है जो हिंदुत्व का विचार है उस लोग डर के मारे बैठ जाए जो आज कहा जा रहा है कि रिपब्लिक ऑफ होप टू रिपब्लिक ऑफ फेयर की दिशा में हम लोग बढ़े हैं उम्मीद के गण गणतंत्र से हम लोग डर के गणतंत्र के बढ़े हैं तो डर के गणतंत्र को वो कायम रखना चाहते हैं तो 2019 की तरफ जब भी बढ़ेगी यात्रा बढ़ रही यात्रा तो ये कोशिशें और तेज होगी मुझे लगता है इस विषय पर हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद